हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जब किसी भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग फ्लैट का सिलेक्शन कैसे करना है और वर्क पीस को कैसे काटना है। तो आइए देखते हैं। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे ड्राइंग दी हुई है। इसमें रॉ मटेरियल MS फ्लैट दिया हुआ है, 70 x 49 x 10 mm सिंगल पीस का है और बनाना है 65 x 45 x 8 mm में। तो इसके अकॉर्डिंग आइए फ्लैट का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग करने से पहले हम मापी औजार ट्राई स्क्वायर की सहायता से फ्लैट के कॉर्नर पे एक मार्क करेंगे। उससे पहले स्टील रूल की सहायता से हम क्या कर लेंगे, फ्लैट चेक कर लेंगे कि फ्लैट की चौड़ाई प्रॉपर है या नहीं है, फ्लैट की मोटाई प्रॉपर है या नहीं है। तो फ्लैट की मोटाई लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए लगभग 10 mm है। और फ्लैट की चौड़ाई लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे 48 49 के आसपास समथिंग है। तो आप लोगों ने देखा फ्लैट हमारा एक्यूरेट है। अब ट्राई स्क्वायर की मदद से कटिंग साइड्स को चेक कर लेंगे। तो अब ट्राई स्क्वायर की मदद से फ्लैट के आउटर साइड्स को चेक करेंगे, देखेंगे कि इसका आउटर साइड प्रॉपर बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इस क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर को साइड से लगा के प्रॉपर तरीके से और एक लाइन मार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए लाइन मार्क करना है। अभी लाइन मार्क करने के बाद अब ट्राई स्क्वायर को इस तरह से अपोजिट साइड लगाएंगे और उसकी लेंथ को मार्क करेंगे। इस तरह से स्टील रूल रखेंगे और साइड से अंदरूनी सिरे से ट्राई स्क्वायर के अंदरूनी सिरे से लगाएंगे। आप लोग प्रॉपर ध्यान से देखिएगा इसको। इस तरह से ये देखिए 70 mm पे लग गया है। इस तरह से ट्राई स्क्वायर लगाना है। अब क्या करेंगे, स्टील रूल हटाएंगे और अंदरूनी सिरे से क्या करना है, लाइन खींच लेना है। इसके बाद इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि MS फ्लैट में हमको पता चल गया है कि हमें कितना काटना है। अब क्या करेंगे, इस फ्लैट को बेंच वाइस में, ये आप लोग देख पा रहे हैं सामने बेंच वाइस है, इस पे हम इसको बांधेंगे और जो मार्किंग की हुई लाइन है वो हमें स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए किस तरह से हमें काटना है। चलो ये बेंच वाइस को इस तरह से खोल लिया जाएगा। फिर इसके बाद फ्लैट को उठा के इसको प्रॉपर तरीके से बांध लेंगे। फ्लैट अगर भारी है तो एक दो लोगों की मदद ले सकते हैं। और प्रॉपर बांधने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे। इस तरह से फ्लैट्स को बांधना है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर हमें लाइनिंग पता चल रही है। अब हेक्सा ब्लेड को बांधेंगे। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय हेक्सा ब्लेड के जो दांते हैं विंग नट की ओर होने चाहिए, जिससे हेक्सा ब्लेड कटिंग कर सके। अगर पीछे की तरफ रहेंगे तो दांते कटिंग करने की बजाय घिसेंगे, काटेंगे नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि हेक्सा ब्लेड के जो दांते हैं सामने की तरफ विंग नट की ओर होने चाहिए। इस तरह से प्रॉपर टाइट कर लेना है। अब इसके बाद फ्लैट में जहां हमने मार्किंग की है वहां पे अंगूठे का
सहारा देते हुए छोटा सा कट पॉइंट लगाएंगे, जिससे हेक्सा ब्लेड के दांते आसानी से बैठ जाए। इस तरह से आप लोग ध्यान से देखिए अंगूठे का सहारा लगा के हेक्साइंग की जाएगी। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कट लग गया है, ठीक है। अब आगे निशान लग गया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे इसकी हम क्या करेंगे, हेक्साइंग प्रारंभ करेंगे। जो निशान लगा है उससे आधा mm बाहर से ही कटिंग करना है। तो आइए हेक्साइंग की क्रिया प्रारंभ करते हैं। इस तरह से हेक्सा को पकड़ना है और पोजीशन ये रहेगी, बेंच वाइस के सामने इस तरह से खड़े होना है और हेक्साइंग प्रारंभ करना है। हेक्साइंग करते समय थोड़ा आगे की तरफ प्रेशर देना है, हमेशा पीछे की तरफ प्रेशर नहीं देना, प्रेशर आगे रहेगा। और बीच बीच में कूलेंट करते रहना है, जिससे ब्लेड गर्म ना हो और आसानी से लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। दोस्तों आई होप ये प्रैक्टिस आप करेंगे और ऐसा ही प्रैक्टिकल आपको करना है। ये लगभग 4 से 5 मिनट में ये मेटल कट जाएगा। इस तरह से करते करते थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। हेक्साइंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोक जो लगेंगे वो लगभग 1 मिनट में 40 स्ट्रोक लगाए जाएंगे। और ध्यान में रखना है हेक्साइंग हमेशा सीधी ही रखें। आप लोग देख पा रहे होंगे अब कट आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। इस तरह से थोड़ा सा और बचा है, लगभग 5 mm के आसपास, बस मुश्किल से 1 मिनट में कट जाएगा। जॉब कटने वाला है, बस कुछ सेकंड्स और दिल थाम के बैठे। इस तरह से जॉब जब लास्ट में पहुंच जाता है तो इसको कटिंग थोड़ा सा आराम से करना है। और जॉब के इस तरह से जब जॉब फाइनल स्टेज में हो तो अंगूठी का सहारा देते हुए राइट साइड में जॉब को थोड़ा सा फैला लिया जाता है। प्रेस करिए थोड़ा सा, अरे जॉब को नीचे की तरफ प्रेस करते जिससे थोड़ा सा स्पेसिंग हो जाती है। बस अब हेक्साइंग को कंप्लीट किया जाता है और एक हाथ से जॉब को पकड़ के रखा जाता है जिससे जॉब नीचे ना गिरे। तो देखिए आराम आराम से इसको कटिंग करना है इस तरह से। ये देखिए हमारे पास जो वर्क पीस है वो कट के आ चुका है प्रॉपर तरीके से। इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे प्रॉपर 70x49x10mm का पीस आ चुका है। अब ये क्या होगा, इसकी दो साइडें और सरफेस बनाने के लिए जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट के लिए EPS Academy चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।